हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। स्वागत है भाई आपका आज के इस नए वीडियो में। भाई हम लोग बात करने वाले हैं स्कोडा की। भाई एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो कि भाई लॉन्च होने वाली है। ये भाई एक सब 4 मीटर के अंदर वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी होने वाली है। मतलब सब कॉम्पैक्ट एसयूवी मान के चलो, मतलब रियल जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज होती है ना, जैसे अपनी क्रेटा हो गई, ग्रैंड विटारा हो गई, उतनी भाई इसकी लेंथ नहीं होगी, उससे थोड़ी कम होगी, 4 मीटर के अंदर होने वाली है। तो भाई स्कोडा की जो नई ये कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च होने वाली है ना, इसके आने के बाद भाई महिंद्रा के एक्सयूवी 300, भाई नेक्सॉन, हर गाड़ी के ऊपर भाई फर्क पड़ने वाला है। चाहे आप ब्रीजा उठा लो, चाहे कोई भी गाड़ी उठा लो, मतलब सब कॉम्पैक्ट एसयूवी का जो सेगमेंट है ना, उसमें भाई थोड़ा सा इसमें बहुत ज्यादा उछल बचल होने वाला है। क्योंकि भाई स्कोडा की गाड़ियां ना बहुत ज्यादा प्रीमियम होती है और सेफ्टी के मामले में भाई गाड़ी बहुत सही होती है। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। क्योंकि भाई इस वीडियो में भाई आपको पता चल जाएगा कि भाई कब आ रही है गाड़ी, उसकी प्राइसेस भाई क्या होने वाली है, उसमें इंजन आपको क्या मिलने वाला है, सेफ्टी फीचर्स भाई उसमें क्या मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई स्कोडा की जो नई कॉम्पैक्ट एसयूवी आने वाली है ना, सब 4 मीटर के जो अंदर आने वाली है, जिसकी कंपटीशन भाई नेक्सॉन एक्सयूवी 300, ब्रीजा वगैरह से होगी, उसकी भाई लॉन्चिंग डेट आ चुकी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाड़ी भाई 6 नवंबर को लॉन्च होने वाली है इंडियन मार्केट में। स्कोडा के ऑफिशियल से भाई पूरी न्यूज आई है कि 6 तारीख को गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। 6 नवंबर 2024 से भाई स्कोडा की कायलिग आपको रोड्स पे दिखना चालू हो जाएगी, क्योंकि डिलीवरी वगैरह तो कुछ दिन बाद में होगी ना, लॉन्चिंग तो भाई 6 तारीख को ही होने वाली है। तो सबसे पहले अगर बात किया ना, तो भाई बहुत जगह इसकी जो स्पाइस शॉट्स वगैरह आपने देखी होगी भाई यूट्यूब वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह पे। आजकल भाई सोशल मीडिया का ऐसा जमाना हो गया ना कि हर गाड़ी भाई लॉन्च होने से पहले ही आपको हर जगह दिख जाती है। पहले भी भाई गाड़ी की टेस्टिंग हुआ करती थी, लेकिन भाई किसी तक वो न्यूज नहीं पहुंचती थी। लेकिन अब भाई कुछ पेजेस भाई इसके ऊपर ही काम कर रहे हैं कि भाई जैसे ही कोई गाड़ी लॉन्च होने वाली रहे, उसके पहले भाई उसकी टेस्टिंग वगैरह की फोटोज, वीडियोज, उसमें क्या रहा वो सब भाई आपको रिवील हो जाता है। इसलिए भाई थोड़ा सा आजकल के डेट में ना ऑटोमोबाइल सेक्टर है ना बहुत ही ज्यादा फास्ट हो चुका है। तो अगर इस गाड़ी की प्राइसिंग वगैरह की अगर बात किया ना, तो भाई मेरे हिसाब से इसका जो बेस वेरियंट होने वाला ना, वो भाई 8 से 10 लाख के बीच में ही होने वाला है। क्योंकि भाई स्कोडा को भी अब पता चल चुका है भाई कि इंडिया में भाई अगर आपको अपनी गाड़ी सेल करनी है तो उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, क्या रेंज भाई कस्टमर पसंद करते हैं। अभी आपने देखा हुआ टाटा की कर्व अभी लॉन्च हो चुकी है। भाई टाटा की कर्व ईवी जो आई है, ईवी का भाई वैसा कुछ मतलब क्रेज नहीं है, कुछ फैन बेस वैसा है नहीं। तो टाटा की कर्व ईवी है ना, उतनी ज्यादा भाई सेल नहीं होने वाली है, मतलब भाई उसकी बहुत ही कम बुकिंग होने वाली है। क्योंकि भाई टाटा की पंच अगर ईवी अगर उसके फेसलिफ्ट आती है ना, तो लोग भाई उस पर अपने पैसे लगाना जरूरी समझेंगे। क्योंकि भाई इंडिया जो मार्केट है ना, वो एक मिडिल क्लास का मार्केट है भाई। हम लोग वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट को ही खोजते हैं, और वैल्यू फॉर मनी जो मतलब फीचर्स आपको उसमें मिल जाते हैं, सेफ्टी वगैरह, वो सब जब पूरी एकदम मतलब मिला के भाई हम लोग देखते हैं कि भाई हमको ये गाड़ी पसंद आने वाली है कि नहीं, तभी भाई हम लोग गाड़ी लेते हैं। लेकिन अगर बात की जाए फोल्क्सवैगन की और स्कोडा की, तो ये थोड़ी सी भाई प्रीमियम सेडान्स बनाता है, जैसे कि स्लाविया हो गई, वर्टेस हो गई, तो ये सब गाड़ी का भाई सेल्स फिगर अच्छा रहता है, लेकिन उस मुताबिक नहीं रखता, उस भाई क्रेज के हिसाब से नहीं होता है। अभी भी भाई होंडा सिटी आप उठा लो, होंडा की अमेज उठा लो, की वरना उठा लो, ये सब तो भाई सेल्स फिगर काफी सही लगता है। लेकिन वही आप स्लाविया ले लो या वर्टस ले लो, तो गाड़ी भाई सेल होती है, लेकिन उतनी ज्यादा भाई कभी आपको टॉप 10 ये गाड़ी नहीं आती किसी भी मंथ में। उसका भाई यही कारण है कि गाड़ी भाई बहुत ज्यादा प्रीमियम बना देते हैं और इंजन वगैरह इसमें भाई बहुत सही देते हैं, लेकिन वही भाई प्राइस थोड़ी सी इसकी ज्यादा हो जाती है। और मार्केट में भाई फोल्क्सवैगन और आपकी स्कोडा हो गई ना, दोनों को भाई पार्ट्स वगैरह भी उतने ज्यादा नहीं मिलते, तो बहुत सारे लोग भाई इस पर अपना विश्वास नहीं जता पाते। लेकिन भाई कंपनीज नो डाउट काफी अच्छी है, स्कोडा फोल्क्सवैगन, सबसे मेन जो इसकी प्रियोरिटी होती है भाई वो सेफ्टी पे रहती है। आपने देखा होगा भाई फोल्क्सवैगन की जो अपनी पोलो थी, पोलो की भाई फेसलिफ्ट आने वाली थी, चारों तरफ भाई यही हल्ला चला था, लेकिन भाई स्कोडा वालों ने भाई सीधा बता दिया कि अभी भाई अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी आ रही है, अपनी जो सब 4 मीटर के अंदर आने वाली है। अब आप सोचोगे भाई सब 4 मीटर के अंदर ये गाड़ी क्यों लॉन्च कर रहे हैं भाई स्कोडा वाले, वो भाई बस एक ही कारण है, प्राइस को कट करना। सब 4 मीटर के जहां गाड़ी बाहर चल जाती है ना भाई, उस पर टैक्स ज्यादा लग जाता है। टैक्स ज्यादा लगने के कारण भाई आपको टैक्स तो भाई आपको ही पे करने वाला है ना, मतलब कंपनी तो पे नहीं करेगी वो, तो गाड़ी की भाई रेट ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण कंपनी को भाई गाड़ी लॉन्च करना पड़ता है एक ज्यादा रेट पर, जिससे भाई आम आदमी थोड़ा सा इसमें वो होता है कि भाई गाड़ी ओवर प्राइस्ड है, ओवर प्राइस्ड है। लेकिन भाई सब 4 मीटर के अंदर अगर आप गाड़ी बनाते हो ना, तो उसका भाई एक जो टैक्स स्लैब है ना वो भाई अलग है, उसमें भाई आपको उतना ज्यादा टैक्स नहीं पे करना पड़ता, जिसके कारण भाई गाड़ी थोड़ी सी चीपर होती है। आपने देखा होगा भाई महिंद्रा के एक्सयूवी 300 सब 4 मीटर के अंदर आती है, नेक्सॉन सब 4 मीटर के अंदर आती है, निसान की मैग्नेट सब 4 मीटर के अंदर, रेनॉल्ट की क्राइगर सब भाई सब 4 मीटर के अंदर आती है। इसलिए भाई इन लोग का जो प्राइस है ना वो थोड़ा कम ही पे होता है। लेकिन उससे अगर ऊपर के सेगमेंट में चल जाओगे, क्रेटा में चल जाओगे, होंडा की लिवेट में चल जाओगे, फिर आपकी ग्रैंड विटारा में चल जाओगे, ये सब का प्राइस आपने देखा होगा भाई कि ज्यादा है इन गाड़ियों से। क्यों ज्यादा भाई? तो थोड़ी सी लेंथ उसकी ज्यादा हो जाती है। स्कोडा की भाई जो कॉम्पैक्ट एसयूवी आने वाली है ना, उसकी भाई आप शॉट्स वगैरह देख सकते हो। भाई फ्रंट आपको कुछ ऐसा इसमें देखने को मिलेगा, आगे की साइड भाई आपको एलईडी लाइट के पूरे फीचर्स वगैरह दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं भाई आपको ये गाड़ी स्कोडा की कुशाक से मिलती जुलती लग रही होगी, क्योंकि भाई स्कोडा वालों का कहना है भाई उसी प्लेटफॉर्म पे गाड़ी को डिजाइन किया जा रहा है और इस पर भाई उसकी रेट कम कर दी जाएगी। मेरे हिसाब से भाई जो रेंज में लॉन्च करने वाले ना स्कोडा वाले, वही भाई इनका मास्टर प्लान होने वाला है।
क्योंकि इंडिया में भाई जो भी गाड़ी लॉन्च हो रही है ना, आपने एक चीज पे फोकस किया होगा भाई, इसका जो मार्केट है ना, मार्केट क्रेज कब बनता है, जब इसके रेट, भाई महिंद्रा की थार रॉक्स जब लॉन्च हुई तो भाई आपने देखा होगा 12,99,000 रुपए में गाड़ी लॉन्च हुई, तो भाई इसके रेट के ऊपर ना मार्केट में इसका हाइप बन जाता है। XUV 3XO जब लॉन्च हुई तो भाई 7,99,000 में लॉन्च हुई, उस पर भी क्रेज बन गया। सिट्रॉन की बसार्ड लॉन्च हुई भाई 8 लाख रुपए में इसका बेस वेरिएंट, लेकिन उसका क्रेज उतना नहीं बन पा रहा है। बात बस सिंपल सी है भाई कि सिट्रॉन का थोड़ा सा जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ना उतनी सही नहीं है, और उसका जो पहले का जो रिलेशन है ना कस्टमर के साथ वो उस कदर बन नहीं पाया भाई जितनी भाई किया बना चुकी है। किया भी भाई उसी टाइम में कंपनी आई थी, आज के डेट में किया की भाई हर गाड़ी सेल हो रही, किया की सोनेट उठा लो, सेल्टोस उठा लो, किया की कैरन उठा लो, मतलब भाई किया की सब गाड़ियां सेल हो रही, वो भाई इंडिया में कस्टमर को भी समझ चुकी है और अपने पैर इंडिया में जमा चुकी है। तो भाई यहाँ पे आपको स्कोडा की जो अपनी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी आ रही है उसका भाई फ्रंट प्रोफाइल कुछ ऐसा है, साइड से कुछ ऐसा है भाई, गाड़ी देख सकते हो जैसे कि भाई आपको और भी सब इस रेंज में जो गाड़ी दिखती है। रियर में भाई आपको एलईडी लाइट्स के पूरे सेटअप वगैरह सब कुछ मिलने वाले है। गाड़ी भाई देखने में इसकी जो लुक है ना कहीं कुशाक से थोड़ी भी मिलती रहेगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया। तो स्कोडा वालों का भाई मेन जो प्रेफरेंस होता है ना वो होता है भाई सेफ्टी। आपने देखा होगा भाई जैसे कि ये जो अपनी नई वाली आ रही है ना, इसमें भी भाई उन लोग 6 एयरबैग का फीचर देंगे। अब आप सोच रहे होगे भाई इसकी नाम क्या है, तो भाई नाम भी रिवील हो चुका है, लेकिन नाम रिवील होने से पहले भाई स्कोडा वालों ने इसका नामकरण किया था, मतलब कि भाई बहुत सारे लोगों को, मतलब उन्होंने एक वो ऑर्गेनाइज किया था कि भाई आप अपना नाम बताओ कि मैं अपनी नई गाड़ी का कौन सा नाम रखूं। इंडिया के भाई भारत के जनता से पूछा गया था, जनता ने भी भाई अपना मतलब पूरा कारनामा दिखाया भाई, 10 नाम स्कोडा वालों ने शॉर्टलिस्ट किया था। जनता ने भाई भेजा था क्विक, काइमैक, काइलैक, काइरियो, मतलब क्या क्या ये सब, मतलब समझ में भी नहीं आ रहा क्या क्या कौन सी है जनता है वो भी नहीं समझ में आ रही है। स्कोडा वालों ने जिस नाम को शॉर्टलिस्ट किया है ना वो है भाई स्कोडा की काइलैक। तो काइलैक भाई आपको लॉन्च होने वाली, मतलब साल के एंड होने के आसपास मान के चलो कि गाड़ी लॉन्च हो जाएगी, लेकिन बुकिंग वगैरह भाई इसकी जनवरी से होने वाली है। तो स्कोडा की भाई कॉम्पैक्ट एसयूवी आने वाली, कुशाक थोड़ी सी हाई एंड में चली जाती है, लेकिन भाई ये गाड़ी मतलब एकदम प्रॉपर आपको 10 लाख के अगर अंदर इसका बेस वेरिएंट आ गया भाई गाड़ी दबा के बिकने वाली, क्योंकि स्कोडा वाले भाई सेफ्टी अच्छी खासी देते, गाड़ी मजबूत होते, फीचर्स भी अच्छी खासी रहती है। मैंने भाई इसके ऊपर एक और वीडियो भी बनाई थी भाई, एक थी फोक्सवैगन की टाइगुन, मान लो फोक्सवैगन और भाई दोनों मिलजुल के चलती है, जैसे अपनी निसान चलती है और इधर अपनी रेनॉल्ट चलती है, जैसे कि भाई आपने देखा होगा, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, इधर आप फोक्सवैगन की वर्टस उठा लो, उधर आप स्लेविया उठा लो, दोनों ही गाड़ी सेम है भाई, कुशाक उठा लो और इधर आप अपनी वो उठा लो, क्या नाम है उसका जो कॉम्पैक्ट एसयूवी है, दोनों भाई एकदम सेम, मतलब सेम प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है। तो ये जो नई वाली अपनी आ रही है ना, समझो भाई वैसा ही आपको सेफ्टी वगैरह मिलने वाला है, फीचर वगैरह सब सेम आपको उसमें भी मिलने वाला है। तो स्कोडा की काइलैक भाई लॉन्च होने वाली है, तो जो भी भाई वेट कर रहे होंगे कि भाई स्कोडा की एक मतलब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक गाड़ी आ रही थी, मतलब एक स्लेविया और अपनी एक जो मतलब एक छोटी सेगमेंट में उसके बीच में ये जो गाड़ी आ रही है भाई, तो उसके हिसाब से भाई बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे थे कि भाई एक कॉम्पैक्ट एसयूवी स्कोडा की तरफ से भी जाए। तो कुशाक भाई थोड़ी सी ज्यादा ओवर प्राइस हो जाती है मतलब मार्केट के रेट से, क्योंकि उस रेंज में भाई और भी फिर दूसरे दूसरे भी बहुत सारी गाड़ी आ चुकी है उस रेट में, इसलिए भाई लोग उस पर पैसे नहीं लगाते। लेकिन अगर ये जो स्कोडा का जो ये जो मास्टर प्लान है ना, अगर वो भाई 10 लाख के अंदर इसको लॉन्च करने वाली है स्कोडा की काइलैक को, तो भाई ये गाड़ी दबा के सेल होने वाली। सेफ्टी मिलते हैं भाई अच्छे खासे, फीचर्स आपको मिल जाते हैं, प्रीमियम भाई आपको इंजन वगैरह मिल जाता है। तो इंजन की अगर बात आती है तो भाई आप पूछोगे इसमें कौन सा इंजन मेरे को दिया गया, तो इसमें भाई जो आपको इंजन मिलने वाला है 1 लीटर का भाई टर्बो इंजन मिलने वाला है, जो कि भाई आपको पावर प्रोड्यूस करेगा 114 bhp की। और अगर टॉर्क फिगर्स की बात की जाए ना, तो 178 न्यूटन मीटर का भाई आपको इसमें टॉर्क देखने को मिलेगा। 6 स्पीड भाई ये मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में ही लॉन्च करने वाली है। गाड़ी की भाई जो फ्यूल टाइप होने वाली है ना वो भाई पेट्रोलियन होने वाली है, क्योंकि डीजल भाई अभी बहुत ही कम, मतलब जो मतलब गाड़ी आ रही है ना डीजल में बहुत कम ही लॉन्च होती है भाई। तो इसकी पेट्रोल होने वाली भाई 1 लीटर का आपको टर्बो इंजन मिलेगा, जो आपकी भाई और भी स्कोडा की गाड़ियों में मिलता है। सेम भाई आपको इंजन दिया गया, प्लेटफॉर्म भी उसी हिसाब से, लेकिन एक थोड़ा कॉम्पैक्ट सब कॉम्पैक्ट एसयूवी का एक सेगमेंट लॉन्च किया गया। अब देखते हैं भाई इसकी प्राइसिंग वगैरह क्या होने वाली। गाड़ी तो देखने में भाई अच्छी लग रही है, मतलब एमजी की एस्टर उठा लो, मतलब उसी टाइप की लग रही है, XUV 3XO हो गई, निसान की मैग्नेट हो गई, इसी सबसे भाई मिलती जुलती गाड़ी लग रही है। अब देखते हैं भाई गाड़ी जब लॉन्च होती है तो उसका क्या रोड प्रेजेंस होता है और इसकी क्या सेल्स फिगर होती है। तो स्कोडा की काइलैक भाई जैसे ही लॉन्च होती है उसके ऊपर भी एक और वीडियो बना दी जाएगी। तो कैसी लगी भाई आपको ये वीडियो, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर और किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।